साथ जय श्री कृष्ण। छोटा सिंह जामनगर के आंगन में इज्जेलाल परिवार के यजमान पर तले श्री वाजपेयी गुंबद पर वहाँ सोमयाग का आयोजन हुआ। इंदौर के पद्मश्री पद्मभूषण परम पूज्य गोस्वामी से एक सवाल महाराज की विश्राम एवं परम पूज्य रजोत्सव जी महोदय और चिरंजीव प्रमुख बाबा की पावन विश्राम में धर्म कार्य संपन्न हो रहा है। हमारे साथ परम पूज्य रजोत्सव जी महाराज हूँ, तो आओ उनसे वार्तालाप करते हैं। जय श्री कृष्ण। यज्ञ नारायण भगवान जामनगर में पहली बार तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि सोम यहाँ का क्या महत्व है, इसमें कितने प्रकार के कुंड होते हैं, कितने प्रकार की औषधियाँ औषधियों का इस्तेमाल होता है, आप संक्षिप्त नहीं है। जामनगर में सबसे पहली बार सर्वप्रथम विराट वाजपेयी बृहस्पति साहब सोमयाग हो रहा है, जिसके मनोरथी स्थान पर परम भगवदिया मंजुला बेन लाल, उनके दो सुपुत्र अशोक भाई लाल, जितेंद्र भाई लाल, जितू भाई लाल सुशोभित हो रहे हैं। श्रौती यज्ञ है, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, स्मार्थ यज्ञ और श्रौती यज्ञ। सामान्य यज्ञ जो होता है उसमें एक ही मंत्र से आहुतियां प्रदान की जाती है, स्वाहाकार स्वाहाकार, लेकिन यह सोम यज्ञ है, इसमें अलग अलग प्रकार के मंत्रों के द्वारा लौट में आहुतियां दी जाती है, बल्क में आहुतियां प्रदान की जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों का वाचन होता है, गायन होता है और फिर आहुतियाँ लगाई जाती हैं। यह सोम यज्ञ जो है हमारी वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। जब से हमारी सनातन संस्कृति का शुभारंभ हुआ है, वैदिक संस्कृति का शुभारंभ हुआ है, सर्वप्रथम जो यज्ञ किया गया है वही यह सोम यज्ञ है। और सोम यज्ञों में भी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो होता है वो वाजपेयी बृहस्पति सब यज्ञ होता है जो यहाँ चल रहा है। सोम यज्ञ की हमारी परंपरा है, हम जगतगुरु वल्लभ संप्रदाय से हैं, हम उस संप्रदाय के आचार्य हैं, तो हमारे प्रधान जो आचार्य हैं जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, उनका प्रागट्य 100 सोम यज्ञ होने के बाद यज्ञ कुंड में से हुआ, ये हमारी परंपरा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शुद्ध वैदिक यज्ञ है, जिसके अंदर गाय की बड़ी प्रधानता है, इसलिए गाय के दूध की आहुति लगती है, घी की आहुति लगती है, वनस्पतियों की आहुति लगती है, सब प्राकृतिक वस्तुओं की आहुति लगाई जाती है, अनेक प्रकार की औषधियों की आहुति लगाई जाती है, जिससे कि आभामंडल वायुमंडल नभमंडल की शुद्धि हो। इसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो विराट का जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरा इससे प्यूरिफाइड होता है, पूरे विश्व की शुद्धि के लिए यह सोमयज्ञ किया जाता है। एक प्रश्न आपने किया कि इसमें कितने कुंड हैं, तो देखिए ये कुंडी यज्ञ नहीं है, जो सामान्य यज्ञ होते हैं जिन्हें स्मार्त यज्ञ कहा जाता है वह कुंडी यज्ञ होते हैं, कि भाई उसमें पंचकुंडी यज्ञ है, एकादश कुंडी यज्ञ है, 51 कुंडी का यज्ञ, 108 कुंडी का यज्ञ है। इसमें आप दर्शन करेंगे वेदियाँ अलग अलग प्रकार की बनाई गई हैं, और ये जो ईंटें दिख रही हैं ये ईंटें जो है सामान्य ईंट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, ये पूरी वेदी है, इतनी बड़ी पूरी वेदियाँ बनी हुई हैं, इसको कहा जाता है महावेदी, इसके अंदर ही छोटी छोटी वेदियाँ रहती हैं। सामान्य यज्ञ में और इस यज्ञ की वेदियों में यह एक बड़ा अंतर है। जैसे कि आपने कहा कि शुद्धि होती है, तो इसका एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है, लेकिन आज के वक्त में हमने एक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज किया है, इसका एक पर्यावरण के उपलक्ष्य में भी बहुत बड़ा योगदान है।
पहले के समय में राज्याश्रय के समय में करसाल खरगाव शहर में होते थे। अभी आपकी निशा में ये 145वां यज्ञ हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितने समय पर होना चाहिए किसी एक क्षेत्र में किसी एक विभाग में, आप क्या कहेंगे? देखिए, पर्यावरण की शुद्धि, जिसे आपने एक बताया था, जब हम अलग अलग वनस्पतियों की आहुतियाँ देते हैं तो यज्ञ संस्कृति में हर आहुति के पीछे एक सिद्धांत है, और सोमयज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हर सोमयज्ञ का एक विधान है कि वह कौन सी ऋतु में किया जाएगा और किस लिए किया जाएगा। तो अलग अलग ऋतु के समय अलग अलग महीनों में जब यज्ञ होते हैं तो उससे संबंधित जो प्राकृतिक बदलाव आते हैं विश्व में, उसके लिए अलग अलग प्रकार की आहुतियाँ लगती हैं, औषधियों की आहुतियाँ लगती हैं, तो इससे पर्यावरण की भी शुद्धि होती है और ग्लोबल वार्मिंग में भी हमें बहुत ही इससे सहयोग मिलता है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग ही है हमारे सामने, क्योंकि प्रकृति अपना स्वभाव बदल रही है, तो प्रकृति का स्वभाव बदलना सृष्टि के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए आप देखिए, न गर्मी का आप कोई समय एक निर्धारित बच पा रहा है, न ठंडी का बच पा रहा है, न वर्षा का बच पा रहा है। तो ऐसे में जब अलग अलग जगह यज्ञ प्राचीन काल में होते थे, अरण्य में होते थे, आपने एक शब्द का उपयोग किया कि राज्याश्रय में होते थे। देखिए, राज्याश्रय में यज्ञ होते थे, लेकिन राजा लोग जो हैं वो यज्ञ में दास भाव से जुड़ते थे, राजा के भाव से नहीं जुड़ते थे। जिस प्रकार आज भी जब हम सत्कर्म करते हैं, सद्धर्म करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो समाज के जो सक्षम वर्ग है वह अपने अपने योग्यता के अनुसार धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए, धर्म संस्कृति के कल्याण के लिए दास भाव से करते हैं। तो उस समय में भी ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे एक साथ सब जगह यज्ञ होते थे, उससे पर्यावरण में बड़ा सहयोग मिलता था, मन की शुद्धि होती थी, वातावरण की शुद्धि होती थी। तो जगह जगह अगर आज भी यज्ञ हों तो हम व्यावहारिक तौर से जो हमारे संपूर्ण विश्व के सामने जो जो समस्याएं हैं उनसे बहुत अच्छे से सुधार कर सकते हैं, उनको पार कर सकते हैं समस्याओं को। चूँकि सोमयज्ञ सकाम यज्ञ है, ऐसे यज्ञ निष्काम यज्ञ होते हैं, लेकिन सोमयज्ञ जो है वो सकाम यज्ञ है। तो सकाम यज्ञ होने से इसका फल भी जो है बहुत शीघ्र मिलता है। कई बार हम यज्ञ करते हैं तो हमारे मन में विचार रहता है कि इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे फल, लेकिन बुद्धि कहती है ग्रहण कर लो, धर्म कहता है इसे ग्रहण मत करो, लेकिन मन कहता है ग्रहण करना है। ये सोमयज्ञ का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है कि यह आपके लिए है, आपके द्वारा समाज के लिए। साथ ही विष्णु गोपाल यज्ञ भी हो रहा है, सोमयज्ञ की साक्षी यज्ञ हो रहा है, उसका कई अधिक होना फल मिलता है, तो इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। विष्णु गोपाल यज्ञ अगर स्वतंत्र रूप से घर में करवाया जाए तो उसके नियम पालन करना और वो अनुष्ठान करना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। चूँकि यह सोमयज्ञ की साक्षी में हो रहा है तो इसकी शक्ति जो है पोटेंटाइज हो जाती है, क्योंकि यज्ञ के बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, जो चारों वेदों के विद्वान हैं, उनको सामान्य रूप से हम घर में एकत्रित करके यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मणों की भी संख्या एक नियत होती है कि उतने ब्राह्मण चाहिए। तो परम पूज्य पिताश्री गुरुदेव सर्वतोमुख साग्निचित सोमयाजी दीक्षित पद्मश्री पद्मभूषण आचार्य गोस्वामी श्री गोकुलोत्सव जी महाराज ने सभी के कल्याण के लिए ये विष्णु गोपाल महायज्ञ सोमयज्ञ की साक्षी में करवाना प्रारंभ किया, ताकि हर व्यक्ति, हर सदगृहस्थ अपने कर से, अपने हाथों से धर्म कर्म करके कलयुग को कृतार्थ कर सके, अपने जीवन को कृतार्थ कर सके।
तो यही उद्देश्य रहता है कि जो जो यहाँ यज्ञ कर रहे हैं विष्णु गोपाल महायज्ञ, उनको सोमयज्ञ के द्वारा पुण्य फल की प्राप्ति हो और सोमयज्ञ का भी तेज प्रताप उनके अंदर विराजमान हो। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में बता। तो यज्ञ का तात्पर्य क्या है? परमार्थ करना, क्योंकि यज्ञ में होता है इदम नम मा। अभी मैंने थोड़ी देर पूर्व अपने प्रवचन में कहा कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से स्वयं के सुख की कामना करेंगे कि मैं ही सुखी रहूं, मैं ही सबसे ज़्यादा धनवान बनूं, मैं ही सबसे ज़्यादा वर्चस्वी बनूं, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम समाज की इकाई से दूर हो जाएंगे, तो समाज हमको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह सिद्धांत बनाया कि सब सुखी रहें, सब ऊर्जावान हों, सबके घर में आनंद हो, सबके घर में मंगल हो। तो यह सिद्धांत भगवान श्री हरि विष्णु नारायण ने दिया है, यज्ञ संस्कृति का प्रादुर्भाव उन्होंने किया है। तो यज्ञ दान दान करने से हमारा धन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ब्राह्मणों को दान करें, गौ दान करें, गायों के लिए दान करें, धर्म संस्कृति के लिए दान करें, राष्ट्र के लिए दान करें, दरिद्र नारायण भगवान को दान प्रदान करें, पशु पक्षियों के लिए दान करें। जीवन में तप करने का भगवान उद्देश्य बता रहे हैं, क्योंकि तप करना हमारी संस्कृति है। जब भगवान नारायण की नाभि में से ब्रह्मा निकले तो भगवान ने सबसे पहले यही कहा कि तप करो, आलस्य छोड़ो, तप करो। तो हमें भी हमारे धर्म संस्कृति समाज और राष्ट्र के लिए तप करना है, क्योंकि विलासिता पूर्ण जीवन हमें सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचा सकता। इसलिए भगवान ने कहा तप करो। यज्ञ दान तपक कर्म सत्कर्म सदा करते रहना चाहिए, केवल कर्म नहीं, क्योंकि केवल कर्म करना तो चोरी भी हो जाए। सत्कर्म करना है ताकि वह सत्कर्म ही कर्मयोगी हमें बनाएगा, वही हमें ज्ञान योगी भक्ति योगी बनाएगा, वही कर्म सद्धर्म होके हमारा भी कल्याण करेगा, समाज का कल्याण करेगा। तो हमें सनातन धर्म की विजय ध्वज पताका के नीचे आकर एक साथ होकर संगच्छध्वं संवदध्वं भारतीय वैदिक संस्कृति का प्रचार करना है, भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है और बता देना है कि विज्ञान हमारी धर्म संस्कृति में है, विज्ञान पाश्चात्य संस्कृति में नहीं है, विज्ञान हमारी धर्म संस्कृति की देन है। हमें भारत का गौरव बढ़ाना है। हेलो धन्यवाद की सचोट समाचारों सौथी झड़पी मेड़ो माटे अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो।